इतना घमंड में बैठे हुए यहाँ पर, तब से रख दूंगा पूरे देश का सिस्टम खराब हो रखा है। आप शब्दों का जाल बोलिए बिना मुझे, ये कोई तरीका नहीं होता है गौरव भाटिया, ठीक है कोई बात नहीं, शब्दों का जाल बुनिए, यहाँ पर बेहुदा सिस्टम का जाल बुना हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर शब्दों की मर्यादा रखूं, इस बात की मर्यादा रखूं, लोग मर रहे हैं की सरकार है। एक बात का तो पूरा भरोसा हो चला है इस संकट भरे टाइम में कि किसी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रूबिका जी, सबसे पहले देखिए, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी कि किसी सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी है। बेईमानी है केंद्र सरकार के साथ भी, और जो कर्तव्य परायण निष्ठापूर्ण नेता है जैसे श्री नरेंद्र मोदी, आप बोलिए, एक सेकेंड आप बोलिए, बेईमानी किस बात, आप बोलिए, कैसे हुई बेईमानी, अगर आप सुनेंगी तो मैं बताऊं। नहीं नहीं, आपने बेईमानी शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे घोर आपत्ति। अच्छा चलिए, हो गई आपत्ति आपकी, अब बीच में मत बोलिए प्लीज, मुझे भी आपत्ति हो सकती है इस बार, इस पर भी आपको घमंड है गौरव भाटिया। चलिए आप शब्द वापस कीजिए, माफी, पूरे देश का सिस्टम खराब हो रखा है। आप शब्दों का जाल बोलिए बिना मुझे, ये कोई तरीका नहीं होता है गौरव भाटिया, ठीक है कोई बात नहीं, शब्दों का जाल बोलिए, यहाँ पर बेहुदा सिस्टम का जाल बुना हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर शब्दों की मर्यादा रखूं, इस बात की मर्यादा रखूं, लोग मर रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी है, वो माँ की कदमों में बेटे की लाश पड़ी हुई वो तस्वीर देखी है आपने, और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं मैं बेईमानी कर रही हूँ। मुझे पता था आप लोगों को बड़ा बड़ा गुस्सा आएगा इस बात को लेकर, आप अभी भी इस घमंड में बैठे हुए हैं गौरव भाटिया कि हमने बहुत शानदार काम किया है। जवाब दीजिए, नहीं आप बोल लीजिए, अभी और समय ले लीजिए, दर्शक आपको देख रहे हैं, आप बोलिए, बोलने के लिए मेरे पास 24 घंटे हैं, कम पड़ेंगे 24 घंटे, मुझे बेईमानी शब्द से ऐतराज है गौरव भाटिया, मैं नहीं करूंगा, ये कोई बेईमानी नहीं, ना बिल्कुल नहीं गौरव भाटिया, आपसे पूछता हूँ एक सवाल, मुझे भी नहीं करनी है तू मैं, हाँ तो प्लीज, आप बस अब मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि सिस्टम को लेकर क्या आज आप शर्मिंदा नहीं है। अब मैं बोल लूं, मैं भी आपसे सवाल उठा सकता हूँ आपके चैनल पे, कर रही हूँ मैं, कोविड के समय में कॉन्क्लेव चल रहा था, मैं ये काम नहीं कर रहा, मेरी पहले सकारात्मक बात सुनिए, बीच में मत काटिए, जिससे कि इस चर्चा की गंभीरता बनी रहे, ठीक है रूबिका जी।